गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 5 ऑफ योर कोर्स बुक। ओके, आज हम लोग अपने कोर्स बुक का चैप्टर 5 करेंगे। ओके बेटा, सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल एल। हमारे चैप्टर का नेम क्या है बेटा? द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल एल। सो स्टूडेंट, फर्स्टली गो एंड चेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 26 ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ रीड द स्टोरी। थॉमस एल्वा एडिशन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इन्वेंटर्स इन हिस्ट्री। इन्वेंटर्स मीन्स क्या होता है बेटा? आविष्कारक, जो किसी भी चीज नई नई चीजों का खोज करता है, उसका आविष्कार करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इन्वेंटर कहते हैं। ठीक है, एंड थॉमस एल्वा एडिशन जो थे वो बहुत बड़े जाने माने इतिहास के इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे। ठीक है, सो थॉमस एल्वा एडिशन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इन्वेंटर्स इन हिस्ट्री। जो थॉमस एल्वा एडिशन थे वो इतिहास के जाने माने आविष्कारक थे। ठीक है, ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रेन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड एवरीवन कॉल्ड हिम एल। जो थॉमस एल्वा एडिशन थे वो 7 भाई बहन थे और उन 7 में से वो सबसे छोटे थे। ठीक है, और उनको प्यार से लोग क्या बोलते थे? एल। और उनका फुल नेम क्या है बेटा? थॉमस एल्वा एडिशन, बट उनको सभी लोग प्यार से एल कहते थे। ओके, एल वॉज अ वीक एंड फ्रेजाइल चाइल्ड विथ एन अनयूजुअली लार्ज हेड। जो एल थे वो बहुत कमजोर और नाजुक बच्चे थे, और बाकी बच्चों के कंपेयर में अगर हम लोग कंपेयर करें तो बाकी बच्चों के कंपेयर में उनके जो थोड़े सेट हेड जो थे वो थोड़े बड़े थे। ठीक है, वीक मीन्स क्या होते हैं? कमजोर, एंड फ्रेजाइल मीन्स वीक एंड लाइकली टू बिकम इल, जो बीमार की तरह दिखे, नाजुक हो, उसको हम लोग फ्रेजाइल चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एल थे, इट मीन्स एल्वा एडिशन जो थे वो बहुत कमजोर और नाजुक बच्चे थे, और बाकी लोगों के कंपेरिजन में कंपेयर में उनके जो हेड था थोड़ा बड़े साइज का था। ठीक है, फॉर सम ईयर्स शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। कुछ साल तक उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो बीमार रहते थे, वो बहुत नाजुक थे, उनके मतलब बीमारी के कारण, उनका कमजोर हेल्थ था, इसके कारण उनको बहुत दिनों तक, बहुत साल तक उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। ओके, एल वॉज पुअर एट स्टडीज। जो एल थे वो अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में बहुत पुअर थे, बहुत कमजोर थे। वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर दैट शी वॉज एडल्ट। एक दिन उसकी टीचर ने, इट मीन्स एल्वा एडिशन की टीचर ने उनकी माँ के सामने ही कह दिया कि आपका बच्चा बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये हमेशा कन्फ्यूज रहता है, इसको क्लियरली कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। एडल्ट मीन्स क्या होता है? कन्फ्यूज, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। जो हमेशा कन्फ्यूज रहता है, उसे पता नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, तो उसी को हम लोग एडल्ट कहते हैं। तो एक डे एल्वा एडिशन के टीचर ने उनकी माँ के सामने ही कहा कि आपका जो बेटा है वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुछ सोच भी नहीं सकता, वो एडल्ट चाइल्ड है। ओके, हिज मदर वॉज अ टीचर हर सेल्फ, शी डिसाइडेड टू विदड्रॉ। उसकी मदर, एल्वा एडिशन की मदर भी खुद भी टीचर थी, उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि वो उसे स्कूल से निकाल लाएंगी। एल फ्रॉम स्कूल एंड एजुकेट ही मैच हो, उसे स्कूल से निकाल के वो उसे घर पे ही पढ़ाएंगी, उसे घर पे ही शिक्षित करेंगी। उन्होंने डिसाइड किया, किसने किया? एल की मदर ने। ओके, एज अ बॉय एडिशन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लीड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स। लड़के के, एज अ बॉय मतलब लड़के के तौर पे, बॉय के तौर पे उन वो अलग अलग चीज़ों में बहुत जिज्ञासु थे, नए नई चीज़ों का खोज करना, मतलब ऐसी हरकतें करते थे कि वो कभी कभी परेशानी में भी पड़ जाते थे, तो उनको बहुत जिज्ञासु थे वो। ठीक है, चीज़ों को जानने में, और साहसी भी थे। ओके, एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे। जब वो 6 साल के थे तो एक दिन वो गुम हो गए, लापता हो गए। ठीक है, After an anxious search, his father found him
sitting in a nest he had made in the barn. बहुत ढूंढने के बाद उनके फादर को वो कहाँ मिले, वो उनको एक बर्न में मिले. बर्न मीन्स क्या होता है बेटा, ए लार्ज फार्म बिल्डिंग टू स्टोर ग्रेन एंड कीप एनिमल्स इन. आप लोगों ने देखा होगा विलेज वगैरह में एक बड़े बड़े से स्टोर रूम होते हैं जिसमें हम लोग अपने ग्रेन मीन्स अनाज को भी स्टोर करते हैं और उसमें एनिमल्स को भी अपने रखते हैं. तो वो वहाँ वहीं मिले. कौन मिला? एल. जब उनके फादर उनको ढूंढ रहे थे तो वो वहाँ पे मिले, कहाँ? एक बर्ड में. ओके. द नेस्ट वॉज फिल्ड विथ गूज एग्स एंड हेंस एग्स ही हैड कलेक्टेड. ओके. तो जो नेस्ट था वहाँ पे घोंसला था, वहीं पे वो जो हमारे एल थे वहीं पे वो बैठे हुए थे. ओके. और उन्होंने हमारे एल ने गूज का एग्स एंड हेंस के एग को इकट्ठा किया था. हंस का अंडा और मुर्गी के अंडा को उन्होंने कलेक्ट कर रखा था उस नेस्ट के अंदर और उसी पे वो बैठ गए थे खुद. ओके. अब देखिए कि वो क्या करना चाह रहे थे ऐसा करके. एडिशन हैड नोटेड द वे अ गूज हैजेस हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम एंड ही वांटेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ. जैसे उन्हें पता था कि जब भी अंडे में से चुजिया निकलने वाला होता है, ओके, तो उसके ऊपर जो गूज होते हैं या हेंस होते हैं जिनके अंडे होते हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं, उसके बाद अंडे में से चूजा निकलता है. तो वो सोचा कि जब उस पे गूज या हेंस बैठ के अंडे में से चूजा निकाल सकते हैं तो मैं उस पे बैठ के क्यों नहीं निकाल सकता हूँ. चलिए मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या मैं अगर इसके ऊपर बैठूंगा तो इसमें से चूजा निकलेगा कि नहीं. तो एल ने क्या किया कि गूज के एग्स को और हेंस के एग्स को, इसमें हंस के अंडे को और मुर्गी के अंडे को एक नेस्ट में इकट्ठा कर लिया और उसके ऊपर वो बैठ गए. ओके. और वो ट्राई करना चाहते थे कि अगर मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो क्या अंडे में से चूजा निकलेगा कि नहीं. ठीक है. ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें नए नए चीजों को जानने की बहुत इच्छा होती थी, बहुत जिज्ञासु थे वो, हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में जानना ही चाहते थे. ठीक है. दोज एडिशन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली. जो एडिशन थे वो नियमित रूप से स्कूल अटेंड नहीं करते थे, नहीं जाते थे. ही यूज्ड टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच. जितने भी बुक उनके पास अवेलेबल थे, जितने उनके पास बुक्स थे वो सारे बुक्स को पढ़ते रहते थे. ठीक है. हिज पेरेंट्स वेर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विथ अ गुड लाइब्रेरी एट होम. जो एल के पेरेंट्स थे वो वेल एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे. रिफाइंड पीपल मीन्स क्या होता है? वेल एजुकेटेड एंड हैविंग अ हाई पोजीशन इन सोसाइटी. रिफाइंड पीपल उनको कहते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, अच्छे पोस्ट पे हो, अच्छे अहदे पे हो और समाज में उनकी अलग पहचान हो, अलग अहदे पे हो, तो उन्हीं को हम रिफाइंड पीपल कहते हैं. तो जो एल के पेरेंट्स थे वो काफ़ी एजुकेटेड थे, वेल रिफाइंड थे, इट मीन्स वो काफ़ी शिक्षित थे, उनके समाज में एक अलग अहदा था, अलग पहचान था. ठीक है. और उनके घर में एक बहुत सुंदर सा क्या था बेटा, बहुत सुंदर था उनके घर में एक लाइब्रेरी था. लाइब्रेरी किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग बुक्स वगैरह रखते हैं. ठीक है. तो उन्होंने अपने घर में ही एक बहुत सुंदर सा लाइब्रेरी खोल रखा था. ही रीड वोरेसियसली मोस्टली बुक्स एंड ऑन हिस्ट्री एंड साइंस. ओके. वो लगातार बेटा वोरेसियसली मीन्स क्या होता है? रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वान्टिटीज, मतलब जो लगातार और बड़ी संख्या में बुक्स को पढ़ते रहते हैं, लगातार रीड करते रहते हैं. ओके. उसी को हम लोग कहते हैं. तो जो हमारे एल थे वो लगातार हिस्ट्री और साइंस के बुक्स को रीड करते रहते थे, पढ़ते रहते थे. ओके. ठीक है बेटा. ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स. ओके. दैट वेयर बियॉन्ड द गैप्स ऑफ अ चाइल्ड. यहाँ तक कि इन हिस्ट्री और साइंस के बुक, इतिहास और विज्ञान के बुक उनको पढ़ने की बहुत जिज्ञासा थी. वो हमेशा हिस्टोरिकल और साइंस की चीज़ों पे बहुत मतलब अपनी इच्छा रखते थे, बहुत जिज्ञासु थे, उनके बारे में जानने की बहुत कोशिश करते थे. मोस्टली वो हमेशा साइंस और हिस्ट्री की बुक को ही रीड करते थे. इसके अलावे वो साइंटिफिक बुक को, जो कि बहुत हाई लेवल का होता है, वैज्ञानिक जो बुक्स होते हैं साइंटिफिक बुक को भी पढ़ना चाहते थे, जो कि बच्चों की पहुंच से समझ से दूर की होती है, बच्चों की लेवल की वो बुक्स नहीं होती है,
उसको भी वो पढ़ना चाहते थे। ओके, इन द सेलर ऑफ हिज होम, सेलर मीन्स क्या होता है, तहखाना, सेलर एन अंडरग्राउंड रूम यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, आप लोग उसको स्टोर रूम भी कह सकते हो, जिसमें हम लोग चीजों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, उसको हम सेलर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, तहखाना। तो इन द सेलर ऑफ हिज होम, उनके घर में जो तहखाना था, एडिशन सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, जब एल 10 इयर्स ओल्ड थे, इसमें जब वो 10 साल के थे, तो उन्होंने अपने एक सेलर में, अपने तहखाना में एक प्रयोगशाला बनाया था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक प्रयोगशाला का सेटअप किया था उसमें, ठीक है, कहाँ पे बेटा, अपने तहखाना में, अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है। एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक, वो हमेशा साइंस के बुक में एक्सपेरिमेंट के बारे में रीड करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। ओके, ही वुड ट्राई इट इन हिज लाइब्रेरी, और जिस चीज़ों को वो पढ़ते थे उसका एक्सपेरिमेंट वो अपने लाइब्रेरी में, अपने प्रयोगशाला में करते थे, ठीक है। He had collected around 200 bottles of chemical and arranged them carefully on slab of his cellar. उन्होंने लगभग 200 केमिकल्स के बॉटल कलेक्ट कर लिए थे और उन्होंने अपने तहखाना के स्लैब पे, आलमीरे पे अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था, अरेंज कर दिया था। केमिकल की बात करें तो जो बच्चे अगर केमिस्ट्री लैब देखे होंगे, केमिस्ट्री लैब में बेटा तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, रिएक्शंस वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एल ए एट कम से कम 200 केमिकल बॉटल्स उन्होंने कलेक्ट कर लिया था और उन्होंने अपने लेबोरेटरी के आलमीरे पे उसको व्यवस्थित अरेंज करके रखा हुआ था, ठीक है। All of them were labeled poison so that no one else would handle or disturb them. उन्होंने सारी बॉटल के ऊपर क्या लेबल किया हुआ था, पॉइजनस है, ताकि कोई इसको छेड़ ना सके, टच ना करे। ओके, द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम्ड इन द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली, कंज्यूम मतलब क्या होता है, उपयोग करना मतलब खर्च होते जा रहा था, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली, रैपिडली मीन्स क्या होता है, चिंता से जल्दी जल्दी बेचा उसके जो एक्सपेरिमेंट थे, बहुत जल्दी जल्दी पैसे कंज्यूम कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लग रहे थे, खर्च हो रहे थे, ठीक है। सुन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज बॉय, दोज हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना, मेरे तो पैसे बहुत लग रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो क्यों ना मैं एक न्यूज बॉय का वर्क करूं। न्यूज बॉय मीन्स क्या होता है बेटा, ए बॉय हु सेल्स न्यूज पेपर, जो न्यूज पेपर सेल करते हैं, बेचते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूज बॉय। तो एल ने सोचा कि क्यों ना मैं एक न्यूज बॉय का काम करूं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था, उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि नहीं तुम्हें ये वर्क करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्टिव अप टू दिस। एडिशन पॉइंटेड आउट दैट न्यूज बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, बेसाइड ही कुड रीड न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स फॉर फ्री। उन्होंने अपने मम्मी पापा से बताया कि देखिए न्यूज पेपर बेचने के दो फायदा होंगे, एक तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स में जितने खर्च होंगे, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, एक तो मैं उतना पैसा भी अर्न कर पाऊंगा न्यूज़पेपर को सेल करके, और साथ ही में मैं फ्री में न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ भी सकूंगा और नॉलेज भी मैं क्या कर सकूँगा, इकट्ठा कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं न्यूज़पेपर सेल करूँ, ताकि मैं फ्री में न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ भी पाऊंगा, रीड भी कर पाऊंगा, ठीक है, और नॉलेज भी गेन कर पाऊंगा। तो उन्होंने इसीलिए न्यूज़पेपर का न्यूज़ बॉय का काम किया, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे, मनी अर्न कर सके, कमा सके, और साथ में फ्री में उसको रीड भी कर सके, पढ़ भी सके। ओके, देखिए वो कितने मतलब टैलेंटेड थे, कितना उनके पास दिमाग था कि उन्होंने मल्टी वर्क का सोच लिया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे दो दो फायदे होंगे। ओके, He was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron, where he lived, and Detroit, a business center.
अब जो हमारे एएन थे उन्होंने मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह सेल करना शुरू कर दिया ट्रेन में। ओके, ट्रेन के अंदर कहाँ से कहाँ तक बेटा, कोच यूरन जहाँ वो रहते थे एंड डेट्रॉयट बिजनेस सेंटर, जहाँ बिजनेस सेंटर है वहां तक वो ट्रेन जाती थी। तो उसी ट्रेन में, उसी लोकल ट्रेन में एल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को सेल करते थे। ठीक है, दिस ट्रेन हैड अ डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट व्हिच हैज गिवन टू एडिशन टू कीप हिज पेपर्स। उस ट्रेन में एक ऐसा डब्बा था, ऐसा एक कंपार्टमेंट था, कंपार्टमेंट मीन्स क्या था, डब्बा, एक ऐसा डब्बा था जो कि यूज में नहीं था। ठीक है, वो यूज में नहीं आता था, ऐसे ही वो अनुपयोगी था। ठीक है, तो उस डब्बे को, उस बॉय को न्यूज़पेपर रखने के लिए दे दिया गया कि तुम अपना न्यूज़पेपर इसी डब्बे में रखना, इसका कोई यूज नहीं है और यहीं से लाके तुम इसको सेल करना। ठीक है, ओके बेटा। He kept his paper there, but beside that, he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train. उसने उस कंपार्टमेंट में न्यूज़पेपर भी रखा और साथ में उसने क्या किया, तहखाने से अपने लेबोरेटरी को उस ट्रेन के अंदर शिफ्ट कर दिया, वहां पे उसने उसका सेटअप कर दिया। ठीक है, उसने अपने सेलर से अपने लेबोरेटरी को, अपने प्रयोगशाला को कहाँ सेटअप कर दिया, ट्रेन के अंदर उसी कंपार्टमेंट में जो यूज में नहीं आता था। तो उसी कंपार्टमेंट में एल ने अपना न्यूज़पेपर और अपनी प्रयोगशाला का सेटअप कर दिया। ठीक है, ओके। एट द एज ऑफ 14, एडिशन बिकम अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप टू परस्यू नॉलेज। जब वो 14 ईयर्स के थे, वो 14 ईयर्स का बच्चा एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किसके लिए, हार्ड वर्किंग के लिए, और जो अपने काम में लगातार लगा रहे, मेहनत करे, ओके, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे, तो एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। कौन, एल, ओके, कि वो बच्चा कितना मतलब वो तो एक फ्रेजाइल चाइल्ड था, उसके बावजूद भी वो बहुत उसमें क्यूरियसिटी थी, अलग अलग चीजों को जानने की, बुक्स को रीड करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, नई चीजों का आविष्कार करने का। ओके, तो ये बच्चा एक बहुत साहसी था और हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, करेज का एग्जाम्पल, साहसी बच्चा का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज। वन डे द ट्रेन वाज रनिंग फास्ट ओवर अ पीस ऑफ क्वारी लेट ट्रैक। ओके, एक दिन वो ट्रेन जो था बहुत कमजोर सी ट्रैक पटरी पे चल रही थी। ओके, ट्रेन तो पटरी पे, उसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पटरी बनानी होती है। तो वन डे द ट्रेन वाज रनिंग फास्ट ओवर अ पीस ऑफ पुअरली लेट ट्रैक, बहुत कमजोर ट्रैक पे एक दिन वो ट्रेन चल रही थी बहुत तेजी में। एज द ट्रेन जॉल्टेड वायलेंटली, जॉल्टेड मीन्स क्या होता है, जर्ट, वो टकर हिल रहे थे, टकरा रहे थे, क्योंकि कमजोर से ट्रैक पे वो मूव कर रहे थे और तेज चल रही थी ट्रेन, तो वो आपस में टक्कर खा रहे थे। ठीक है, जर्क कर रहे थे। ओके, ए स्टिक ऑफ फास्फोरस वाज जर्ट फ्रॉम इट्स सेल्फ फेल टू द फ्लोर एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसी टकराने में क्या हुआ कि एक फास्फोरस का जो बॉटल था वो गिर गया फ्लोर पे और गिर के वहां पे आग लग गई, उस कंपार्टमेंट में आग लग गई। ठीक है, द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर, उस कंपार्टमेंट में पूरा आग ही आग, फायर मीन्स क्या था, आग, उस कंपार्टमेंट में पूरा आग लग चुकी थी। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्विंस द ब्लेज, उसने बहुत कोशिश की उस आग को बुझाने की। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रूस्ट इन विद वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट, जो ट्रेन कंडक्टर था वो जल्दी से पानी लेके कंपार्टमेंट के पास पहुंचा और उस कंपार्टमेंट को सेव किया, बचाया। ठीक है, एट द नेक्स्ट स्टेशन एडिशन अलोंग विथ हिज इक्विपमेंट्स एंड पेपर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। जैसे ही अगला स्टेशन आया, ट्रेन जो हमारा ट्रेन कंडक्टर था वो बहुत गुस्सैला था, उसने क्या किया, अगले स्टेशन पे एल को उसके टूटे फूटे इक्विपमेंट्स के साथ और पेपर्स के साथ उसको ट्रेन के बाहर उसने फेंक दिया। ओके, द ट्रेन मूव्ड ऑफ लीविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म विथ टीयरफुल आईज एमिटेड हिज ब्रोकन आर्टिकल्स। वो जो ट्रेन थी उसकी आंखों में आंसू, जो मतलब एयर थे उनकी आंखों में आंसू भरी हुई थी,
उसको उन्होंने उसके इक्विपमेंट के साथ पेपर के साथ फेंक दिया, तो वो बेचारा अपने आंखों में आंसू लिए हुए अपने टूटे फूटे सामान के साथ नीचे पड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन उसको उसी कंडीशन में छोड़ के चली गई। ठीक है। After the accident, the furious train conductor had box adhesion in the ear so severely that she started growing deaf. बेटा क्या हुआ? जब ये घटना हुई तो इस घटना के होने से वो जो ट्रेन कंडक्टर था उसको इतना गुस्सा आया कि उसने बहुत तेज एल के कान पे मारा बॉक्सिंग से, बहुत तेज उसने एक घूसा मारा जिससे क्या हुआ कि एल धीरे धीरे बहरे हो गए। डेफ मीन्स क्या होता है? बहरा, उनकी सुनने की कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है। बट ही डिड नॉट सी हिज डेफनेस एज अ हैंडीकैप, लेकिन उन्होंने अपने मतलब डेफनेस को हैंडीकैप के रूप में नहीं सोचा, नहीं देखा। ओके, देखिए वो कितने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव की तरह सोचते थे, इसलिए बोला जाता है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ओके, ही सेड दैट इट हेल्प्ड हिम कंसंट्रेट शटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स व्हाइल वी कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि मैं कम सुनूंगा, मैं बहरा हो गया, क्योंकि जब मैं एक्सपेरिमेंट करता था तो बाहरी जो आवाज है, बाहरी जो साउंड थी, वो मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती थी, मेरे एक्सपेरिमेंट पे ध्यान नहीं लगाने देती थी, वो मेरे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती थी। ओके, इट मीन्स हमारे ध्यान को भंग करती थी जब मुझे बाहरी आवाजें आती थी, उसके कारण मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था। ओके, तो अच्छा हुआ कि मैं कम सुनता हूँ जिसके कारण मैं अपने एक्सपेरिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा, और बाहरी जो अनवांटेड साउंड है वो मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ओके, देखिए कितने अच्छे थे, कितना उनका अच्छा थॉट था कि उन्होंने अपनी मतलब हैंडीकैप पोजीशंस को भी उन्होंने पॉजिटिव बना लिया, नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव सोच लिया। ठीक है। सो एडिक्शन्स नेक्स्ट करियर वाज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। उनका जो नेक्स्ट करियर था क्या था? टेलीग्राफ ऑपरेटर बने वो। एज अ न्यूज बॉय ऑन अ ट्रेन ही हैड वन सेव्ड द चाइल्ड ऑफ अ स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ बॉक्स कार। जब वो एज अ न्यूज बॉय ट्रेन में काम करते थे तो उस समय वो एक जो हमारे स्टेशन एजेंट थे उनके चाइल्ड को मालगाड़ी से टकराने से, धक्का खाने से उन्होंने उसको बचाया था एल ने। ठीक है। बॉक्स कार मीन्स क्या होता है? मालगाड़ी। तो जब वो एज ए न्यूज बॉय पेपर जब वो सेल करते थे तो उस समय उन्होंने स्टेशन एजेंट के चाइल्ड को, बच्चे को, बॉक्स कार से धक्का खाने से टकराने से उन्होंने उसको बचाया था। एज अ रिवॉर्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एन ऑपरेटर। उसके बच्चे को एल ने बचाया था तो उस स्टेशन एजेंट ने उसको इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है? इनाम। इनाम के तौर पे उन्होंने उसको टेलीग्राफी का काम समझाया, कैसे वर्क करता है, और उसको काम, उसकी कला सिखा के उसको उन्होंने क्या बना दिया? टेलीग्राफ ऑपरेटर बना दिया। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। एडिसन नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स। जो इतना कुछ होने के बाद भी देखिए उनको कितना लगन था इस चीज में, आविष्कार करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, कि इतना कुछ होने के बाद भी जो एडिशन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा, ना नई नई मशीन का आविष्कार करना भी नहीं छोड़ा, बनाना भी नहीं छोड़ा। ठीक है। एडिशन नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स। मेनी इयर्स लेटर ही सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशंस। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा और वो नए नए मशीन का आविष्कार करते रहे, और ऐसे ही करते करते उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, इन्वेंशन फैक्ट्री बनाई। इन्वेंशन फैक्ट्री मीन्स क्या होता है? जिसमें केवल खोज की जाती है, आविष्कार की जाती है। ओके। ही एम्प्लॉयड हंड्रेड ऑफ मैन। और उस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे? सैकड़ों लोग काम करते थे। ओके।
ऑल बिजी विद इन्वेंशंस। उस फैक्ट्री में सारे लोग केवल इन्वेंशन में ही लगे रहते थे, आविष्कार में ही, खोज में ही, उसी चीज में लगे रहते थे। ठीक है, he worked as hard as his employees, जिस तरह उनके employee work करते थे उसी तरीके से हम AL भी काम करते थे as a employee, वो भी उसमें उतना ही hard work करते थे। ठीक है, often 18 out of 24 hours of the day, यहाँ तक कि AL 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते रहते थे। ओके, his ओके आवर वॉज अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग। एक दिन आग लगने के कारण उनकी बहुत सारी फैक्ट्री और बिल्डिंग जल गई, आग लग गई उसमें। ठीक है, हिज आंसर टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम्स वॉज वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आग लग गई तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं, हमारे पास माइंड तो है, हमारे भी कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि हम लोग नई बिल्डिंग बना सकते हैं, नई नई चीजों का इन्वेंशन कर सकते हैं। देखिए कितनी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी कि इतना कुछ होने के बाद भी वो इतना अच्छा सोचते थे। ठीक है, एडिशन फैक्ट्री टर्न आउट हैबिट्स ऑफ इन्वेंशंस। एडिशन की जो फैक्ट्री थी वो कम से कम कितना इन्वेंशन कर चुकी थी, कितना आविष्कार उन्होंने कम से कम सैकड़ों आविष्कार कर चुके थे। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर द इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। उन्होंने कम से कम सैकड़ों इन्वेंशन किया था, लेकिन उसमें से जो तीन इन्वेंशन था वो काफी कीमती था, काफी बहुमूल्य, काफी महत्वपूर्ण था। वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है, कीमती। और वो कौन कौन से थे बेटा, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइट, फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। ये तीनों सारे इन्वेंशन में से सबसे वैल्यूएबल थे। ओके, द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरी डे लाइफ, द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्ड्स ऑफ द वैक्टिस। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो सभी पीपल पे एक रोशनी की तरह काम करेगा, उन्हें पूरे जैसे हमारे जिंदगी एक रोशनी की तरह, वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइट एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, एवरी डे लाइफ। ओके, द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन द वैक्स टेप्स। उन्होंने बोला कि फोनोग्राफ किस काम में आएगा, वो रिकॉर्डिंग करके अलग अलग डिस्क में रिकॉर्डिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, एंड द मूविंग पिक्चर्स लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मूवीज, एंड मूविंग पिक्चर हमें अलग अलग मूवी को बनाने में, पिक्चर को ये लीड करने में काम आएगा। ओके, जो कि आज हम लोग मूवी देखते हैं। ओके, perhaps no other inventors has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. फिर जैसे हमारे एल्वा एडिशन थे, उनकी तरह कोई भी ऐसा इन्वेंटर नहीं था जो कि हमारी लाइफ को इतना समृद्ध किया हो, उनकी जो इन्वेंशन हो इतनी समृद्ध हो, इतनी प्रभावित करे लोगों की लाइफ को। ओके, केवल एक एल्वा एडिशन ही थे जिनकी आविष्कार जो थी, जिनकी जो खोज थी, वो सारे पीपल के लिए बहुत प्रभावित है, लोगों के आम पब्लिक के लाइफ को बहुत प्रभावित किया, बहुत समृद्ध किया। ओके, तो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें किसी काम से भागना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी चीज में लॉस हुआ तो हम उसको छोड़ के मूव ऑन कर गए, नहीं बेटा। अगर हम किसी काम में लगे हैं, अगर हम करना चाहते हैं किसी भी वर्क को, अगर हमें उसमें जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, कितनी भी कठिनाई आती है, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उस वर्क में लगे रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करना, काम को छोड़ना नहीं, जो चाहते हो उसको पूरा करना। ओके, सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।